हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्मोक हाउस चंडीगढ़। तो गाइज, आज लेके आए हम आई गेट का प्रो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे प्रो को कैसे रिफ़िल करना है और कैसे रिचार्ज करना है, तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले देख लेते हैं इसका फ्लेवर कितना है। तो देखिए गाइज, आपको दिख रहा होगा फ्लेवर बिल्कुल एम्प्टी है। ये देखिए फ्लेवर बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में तो हम आपको यही बताएंगे कि इसका फ्लेवर कैसे रिफ़िल करना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको रिचार्ज कैसे करना है। तो फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहा हूँ गैस, मैंने अब तक ओपन नहीं किया है। वही वाला ट्रिक है जैसे हम हर वेब को ओपन करते हैं, ऐसे से पुश मारेंगे धीरे धीरे करके खुलेगा। इसमें फ्लेवर लीक हो रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा फ्लेवर इसके अंदर लीक हो रहा है। जो पुराना फ्लेवर है ना, वो हो सकता है कि इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया हो क्योंकि फ्लेवर लीक हो रहा है इसमें। तो यह जो वेब्स है ना, ये मार्केट में, ये देखिए आपके सामने देखो कितना फ्लेवर लीक हो रहा है इसमें, देखिए। और इसको जो एंड वाला पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आराम से खोलना है, ये देखिए। अब ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है, फ्लेवर देखिए आपके सामने है, सारा लीक हो रखा है फ्लेवर, ठीक है। शुक्र इसकी बैटरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अदरवाइज़ की बैटरी भी ख़त्म हो जाती जैसे इसके हाल हैं, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या है, इसको भी पहले तो सबसे पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वायर्स ना टूटे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। इसको सिर्फ ये वाले पार्ट को क्लीन करना है। जो अंदर वाला फ्लेवर है उसका हम कुछ करेंगे, उसके बाद गैस इसको ओपन करना है, इस वाले टैंक को। तो इस टैंक को ओपन करने के लिए हमारा ऑल टाइम फेवरेट टूल जो है नेल कटर, इसी से खोलेंगे इसको भी। इसको यहाँ से इसको ना पकड़ना अपने इस तरीके से है ताकि ये जो है अलग ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद इसको पुश करना है ऐसे रख के, यार ये बहुत हार्ड लग रहा है, ट्राई तो हम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको घुमा के इस साइड से भी हमें वैसे ही खोलना है। तो गैस थोड़ा हार्ड है ये, तो यहाँ से ऐसे करके भी पुश मार सकते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है गैस। तो खुलेगा ये पुश करके ही भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा हार्ड है यार ये। यहाँ से तो खोल दिया अपन ने, ये देखिए ये आपके सामने खुल गया, ठीक है गाइस। तो ये हमने ओपन कर लिया, अब इसको जो है केयरफुली थोड़ा साइड पे रख लेते हैं। अब इसमें हमने फ्लेवर रिफिल करना है, तो फ्लेवर रिफिल हम कौन सा करेंगे तो आज चेक करते हैं यार। आज हम फ्लेवर डालते हैं, कुछ नया फ्लेवर डालते हैं। तो गैस एक और चीज़ आपको बताते हैं आज की वीडियो, अगर आपके पास कोई भी पुराना वेब पड़ा है जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन, तो इसका फ्लेवर आप निकाल के डाल सकते हैं। इसको आपने ओपन करना है, ठीक है, और इसके ये जो है ये खोल लेना है। आपको बताया है पहले कि कैसे खोलना है, किसी भी पुराने वेब से आप निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना गाइस, इससे जो कॉटन है ना, इस कॉटन को निकाल लेंगे बाहर। ये ख़राब वेब है इसलिए मैं खोल रहा हूँ इसको, आप अपने कोई सही वाले वेब जो है उनको ख़राब मत कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा बहुत फ्लेवर जो है इसका हम निकाल सकते हैं। इसको निकालना कैसे है, इसको आपने पुश मारना है, देखिए आपके सामने देखो। किसी भी पुराने वेब से कर सकते हैं आप ये, उनको बता रहा हूँ जिन लोगों के पास फ्लेवर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं से मिलते नहीं हैं, क्योंकि कई जगहें हैं जहाँ पर फ्लेवर इजीली अवेलेबल हो जाता है, कई जगहों पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो जिन जगह पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है वहाँ के लोग जो हैं वो ऐसे करके इसको भर सकते हैं।
ये देखो गाइस, बस हमारा यूज़ करने लायक तो फ्लेवर हमने निकाल ही लिया कि मतलब चल जाएगा ये, इतना हमने फ्लेवर निकाल दिया इसमें। बाकी ये जो वेप है ये तो किसी काम का है नहीं है, तो इसका अच्छे से फ़ायदा उठाया जाए। अब इसमें हमने जो फ्लेवर है पहले इसको भी क्लीन करना है, क्योंकि बाहर भी इसकी थोड़ा सा फ्लेवर निकला हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से क्लीन कर लेना है इसको। फ्लेवर जो है वो है, हमने थोड़ा सा फ्लेवर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, देखो। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, किसी और फ्लेवर के साथ मिक्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा ये वाला फ्लेवर डाल देता हूँ। वो मैंने फ्लेवर इसलिए डाला कि थोड़ा टेस्ट अच्छा है। ठीक है, अभी दो फ्लेवर जो है वो मिक्स हो गए हैं, तो इनका जो है ठंडा वाला टेस्ट तो आना ही आना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको दोबारा से बंद कर लेते हैं जैसे भी था ये पहले से। ठीक है, इसको जो है ऐसे करके हमें बंद करना है। तो वैसे ही हमने बंद कर लिया है। अभी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर जो है ना वो लिक्विड सारा का सारा फैला हुआ है। इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। अब क्या है, इसको दोबारा से हम फिट कर देंगे जिस साइड आई गुड प्रो लिखा हुआ है उस साइड से। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया वेप गाइस, बट डोंट वरी, वेप हमारा चलेगा। ये क्लीन तो हम इसको बंद करने के बाद भी कर सकते हैं। एक्चुअली है क्या ना कि मेरे हाथ गंदे हो गए, तो हाथ गंदे की वजह से ये वेप जो है गंदा लग रहा है आपको। और मुझे पहले सबसे पहले अपने हाथ क्लीन करने पड़ेंगे वेप क्लीन करने के बाद। तो वेप हमारा क्लीन हो गया है, अब मैं थोड़ा सा हैंड क्लीन कर लेता हूँ। तो गैस, ये जो है हमारा वेप रेडी हो गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका स्मोक कैसा आता है। बहुत बढ़िया स्मोक आ रहा है, वैसे स्मोक तो बहुत अच्छा आ रहा है। आपके सामने गैस देखिए, तो गैस ये वेप जो है ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो गैस, अगर बात करें चार्जिंग की, तो उसको करना क्या है कि हमने इसको यहाँ से ओपन करना है, ऐसे पुश मारना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये जो बैटरी है ये बैटरी आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, जब ये बैटरी आपकी बाहर आएगी तो वो बैटरी इस टाइप में आएगी। ठीक है, ये रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट है, देखिए ऐसा रेड वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को आपने कनेक्ट करना है चार्जर के साथ। तो जैसे ये चार्जर है, इसका जो है ये राइट वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट आपने लगाना है रेड वाले पे। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर है, तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो यहाँ पर लगेगा, जब आप इसको यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ लाल लाइट जल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये कनेक्ट कर रहे हैं तो लाल लाइट यहाँ जलनी चाहिए। फिर आप इसको जब चार्जिंग पर लगाओगे तो ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी, जब फुल हो जाएगी तो ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी। कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसको फिर इसको बंद करना है, इसके अंदर बैटरी लगा के दोबारा से इसको फिट कर देना है और इसको बंद कर देना है। जब इसको बंद कर देंगे तो इसका स्मोक करेंगे। आपके सामने गाइस।